अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं? तबीयत सबिया ठीक है? सो जी, सीन कुछ ऐसा है, अभी हम जा रहे हैं लैया, मैं और खुर्रम भाई जाएंगे इस वाले राइडर पे, और सामने अदील भाई भी जा चुके हैं तो वो भी हमारे साथ जाएंगे, लेकिन उनके पास अलहदा बाइक है और हमारे पास अलहदा बाइक। चलते हैं अभी रास्ते के ऊपर। अभी हम निकल चुके हैं यहाँ खुर्रम भाई लोगों से घर से, तो चलते हैं अभी लैया। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, मौसम फुल ठंडा है, हर तरफ बादल है ऊपर और हल्की हल्की फोक भी है। तो जी अभी अदील भी हमारे साथ आ चुके हैं और अभी हम चल रहे हैं जो बड़ा रोड है ना उसके ऊपर, तो अभी आपको उधर जाके मिलते हैं, उसके बाद सीधा हम ले जाएंगे। तो जी अभी पहुंच चुके हैं बड़े रोड पे, पिताही वाले पे, और मैंने मुंह पर सारा रुमाल वगैरह लगा लिया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है और काम भी करते हवा जाती है ना, बंदे बंदे कुछ हो जाते हैं। और फिर ऐसे अदील भाई भी फुल हैवी तरीके से वगैरह लगा के आ रहे हैं पूरा, क्योंकि सर्दी आपको पता है मौसम, आप देख सकते हैं फुल सर्दी है, तो मतलब आपको ले जाके मिलते हैं, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है यार। तो जी अभी सर्दी की इंतहा नहीं है और हमने अब बस देसी जुगाड़ कर लिया फोरम ने भी, और सर्दी तो आपको पता चल गया, और अभी हम जाते हैं बड़े रोड पे। तो मैंने कुछ ऐसे तरीके का रुमाल यहाँ पे बांध लिया है कि कानों में हवा ना आ जाए, बस कानों में जब हवा जाती है बंदे बुखार हो जाता है। तो जी अभी हम आ चुके हैं थोड़ा सा अंदरूनी रास्ते में, वैसे रास्ता एक है वो पूरा ले जाते हैं, लेकिन हमने ना थोड़ा शॉर्ट पर किया क्योंकि ना जो बड़ा रास्ता है ना वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने कहा यहाँ चलते हैं। और यहाँ पर सामने है आलू की फसल तो बहुत ज़्यादा, तो आपको वो भी दिखाऊंगा, और यहाँ से बहुत खूबसूरत खूबसूरत सीन भी यहाँ पे वो भी दिखाऊंगा, और बहुत ज़्यादा ये चेक करें जी, ये सारे हैं आलू इस तरफ भी और रास्ते के इस तरफ भी, हर तरफ सारे आलू ही आलू हैं, जहाँ देखो सारे आलू हैं इधर भी। अभी ये कुछ दिनों तक मुझे लगता है यहाँ से अंदर से जो रियल आलू है ना वो निकाले जाएंगे बाहर। ये जी देखें यहाँ पर थी सामने एक पुल, तो अभी जो पुल है ना वो गया टूट, यह बहुत सालों पहले टूटी है, जो ये स्लिपें वगैरह हैं ये सारी ज़मीन पे गिर गई हैं, और अभी ऐसा जमीन हो गया पुल, मतलब के मतलब नीचे से होके फिर ऊपर जाता है, पहले यहाँ पर यह पुल थी जो ये अभी टूटी हुई है, और हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, वो यहाँ पर पहले पानी था लेकिन अब पानी ख़त्म हो गया है। तो गाइस अभी हम ले रहे हैं पकोड़े, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो गरम गरम पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ अपना है, और ये इनका सेटअप है, और ये आ जाए गए पकोड़े। तो ये पकोड़े वगैरह खा लिए और अभी हम दोबारा चल रहे हैं रोड के ऊपर, और अभी हम पहुंच चुके हैं एक दूसरे रोड के ऊपर, बड़ा जो क्रोड लेयर रोड है ना उसके ऊपर, इस क्रोड लेयर रोड पर, और ये अभी सीधा लिया जाएगा, रेलवे भी आ रहे हैं लिया चलते हैं। और जी देखे रोड भी बिल्कुल न्यू बना हुआ, फ्रेश बहुत ही मजे का कारपेट बना हुआ है, पहले यहाँ पर सारे थे खड्डे, अब सारा नहीं होगा बन गया। इधर देखें जी बागात हैं ये सारे माल्टों के, और सामने यहीं से माल्टे तोड़कर यहाँ पर रखे गए हैं, और ये माल्टे सेल करते हैं। तो जी अभी हमने दोबारा कर लिया शॉर्ट्स, तो बड़ा सा आपको पता है सही लगती है, तो अभी है हमारे सामने शुगर मिल, वो बल्कि शुगर मिल नहीं राइस मिल चावल वाले मिल, और हमारी और ऐसे कुत्ते भी हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और ये है जी मिल, बहुत ही बढ़िया है, ये सारे चावलों की मिल है। और यहाँ पे बागात चेक करें, हर तरफ बागात बागात, इधर ये थोड़ा सा बाल्टी जो है वो थोड़े बड़े हैं, ये अब भी जो लगाए हैं, और यहाँ पर बड़े इनके ऊपर तो अभी माटे लगे भी हुए हैं, ये सामने सामने बड़ों कम हुए हैं। ये है जी नहर जो कि अभी सूखी हुई है, और ये है सामने कपास वाली मिल, और इधर अंगूर भी लगे हुए हैं, वाह वाह, इसको कोई पेंट वगैरह नहीं किया ना अभी, ये देखो मैं लोग है ना बंद है ना, क्योंकि अभी ये कपास का मौसम ही नहीं आया। तो जी हम पहुंच चुके हैं लैया, और अभी बस रास्ते में हम गन्ने भी लेकर आए थे, तो यहीं पर करते हैं बस इस व्लॉग का एंड, मोबाइल की बैटरी भी नहीं है, चार्ज पर लगाना है, तो बस यहीं पर करते हैं व्लॉग एंड, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अल्लाह हाफिज़।